प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा में रोड शो चल रहा है और मेरे साथ ये दौसा की जनता है जो पिछले कई घंटों से दौसा की जनता का उत्साह आपकी बार 400 पार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दौसा की जनता पिछले कई घंटों से तेज गर्मी के बावजूद सड़क पर खड़ी रही प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए, बहुत नारे लगा रहे थे। आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री खुद दौसा आए? बिल्कुल आए, बहुत अच्छा लगा। आए नहीं, आएंगे। 4 जून 400 पार होगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी अब की बार नहीं, अगली बार भी आएंगे। आपका नाम बोलिए। शुभ। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। और इस बार 400 बार जीतेंगे, 4 जून को जश्न मनाएंगे मोदी जी का। आप बोलिए। 22 जनवरी को मोदी जी ने, नाम कोमल शर्मा है, 22 जनवरी को मोदी जी ने अयोध्या जी का उद्घाटन करा था, हमको राम लगे थे। आज दौसा में आए तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे राम आए हैं, भगवान राम आए। आप बताइए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पहली बार दौसा में हुआ है और ये पक्की बात मान लो, दौसा से बहुत प्रचंड जीत से हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। ये बताइए, दौसा का उम्मीदवार मजबूत है? बहुत बहुत मजबूत है दौसा का उम्मीदवार, 100% जीतेगा। वो विधायक का चुनाव हार गए, विधायक 4 बार विधायक रहे हैं सबसे पहले, अब एक बार हार गए वो कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, मुरारी लाल जी कमजोर? बिल्कुल कमजोर है, पहले भी उनकी मिसेज 60,000 वोटों से हार चुकी है। पिछले चुनाव में उनकी मिसेज, वो चुनाव लड़ी थी, वो 60,000 वोटों से हार चुकी हैं, तो अब भी हारेंगे, अब लाखों वोटों से हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, जो राम को लाए हैं वो जरूर मोदी जी आएंगे। 100% जीतेंगे 4 जून के दिन, मैं मोदी जी की जीत है। कन्हैयालाल जी, बिल्कुल कन्हैयालाल जी जीतेंगे, 100% मोदी जी जीतेंगे। हर यूथ और हर बच्चा, हर माँ हर बेटी मोदी जी को वोट देंगे। तो ये माहौल है दौसा का, यहाँ की जनता चाहती है कि मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर टिकट दिया गया है और इसीलिए बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। मैडम कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेगा। मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। कन्हैयालाल जी जीतेगा। कन्हैयालाल की अति घोड़ा पाल की, कन्हैयालाल की मोदी सरकार, मोदी सरकार। बतौर प्रधानमंत्री ये शायद पहला मौका होगा जब कोई दौसा की धरती पर रोड शो करने आया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचे थे लेकिन उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास रणनीति कि जहाँ भी बीजेपी का प्रत्याशी मुकाबले में दिख रहा है उन जगहों पर वो खुद पहुँच रहे हैं। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में जिन 12 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें लगभग सभी जगह जा चुके हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP News, दौसा।